जय हिंद, जय हिंद बच्चों। आई फील टूडे अ प्राउड अबाउट माई सेल्फ। द रीजन आई बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। फर्स्ट में महाराष्ट्र दिन, देन वी से कामगार दिवस। यस, आई एम ऑल्सो कामगार, आई एम ऑल्सो वर्किंग समवेयर एल्स, देन आई एम गेटिंग समथिंग पेमेंट, देन माई हाउस इज रनिंग, इट्स सो ऑन विद एवरी वन। ओके, लेट इट बी। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड आफ्टर अ लॉन्ग गैप। Long gap means near about 15 days or 20 days, no video was uploaded. Since everyone need a break, so I also thought that let's take some break. But within this a week, many students of many school, they just saying me, "Hello sir, how are you?" I'm saying, "Very fine." "Sir, why you are not uploading the video?" "Exact, yes." Then I was just waiting for the right moment. Then today it's the right moment. It's the 1st May, again new beginning. Now today onwards I will upload, first prefer to 10th standard. Every day I will try to upload one video of 12 minutes or 20 minutes or max to max 20 minutes or minimum 12 minutes. Because I can extend the video, but extending it's very easy. But when it's uploading time, it takes a lot of GB. That much GB I don't have. So short, you will get everything. Okay, so instead of talking here and there, baatein yahan wahan ki baatein karne se acha hai seedha mudde pe aa jaye. 10 ka pehla chapter, ab 10 standard mein jaise apne 9 standard mein part 1 aur part 2 mathematics ke do book hai, part 1 part 2. Part 1 ko hum kehte hai algebra aur part 2 ko hum kehte hai geometry. I am a math teacher. I can teach both part 1 and part 2. Okay. In part 1, first chapter, linear equation in two variable. Chalo, chapter ka naam kya hai? Har bachcho ka naam chahe. Linear equation in two variable. Linear ka matlab hota hai 1. इक्वेशन का मतलब होता है, कहीं तो भी कोई साइन आने वाला है। इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होने वाले, एक तो एक्स वाई एम एन, जो वेरिएबल लेना है ए से लेके जेड तक आप ले सकते हैं। अब लीनियर वन, अब इसमें जो वेरिएबल आने वाला है उसका जो पावर होने वाला है वो पावर वन होने वाला है, इसलिए यहाँ पे आया लीनियर। और इसके बीच में कहीं तो इक्वल टू साइन आने वाला है। जब भी कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन आता है तब जाके वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन बनता है। अगर इक्वल टू साइन नहीं तो बस वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, आपको पता नहीं है, पर आप पता कर लो। जैसे कि अगर मैंने लिखा, क्या लिखा सर, ए एक्स प्लस बी वाई, इतना ही लिखा। आप किसी ने बोल दिया इट्स अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल आ गए, ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर है। नहीं, इट्स नॉट इक्वेशन, इट्स एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पर इसके आगे मैंने कहा इक्वल टू दिखा दिया और उसके आगे कोई नंबर, जो भी नंबर लेना है चिपका दिया, ठीक है। सी, अब जाके इसको बोलो, नहीं तो ऐसा भी दिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर एक्स वाई के बारे में हम जान गए, वेरिएबल है, उसका पावर भी वन है, पर ये क्या है, ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, हाँ वो भी ध्यान क्लियर कर लो। मेक इट क्लियर, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आर क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर की दुनिया में आपको जो भी नंबर पसंद आए या उस नंबर पे आपका प्यार आ जाए, उस नंबर को उठाओ। जैसे कि रियल नंबर कैसी होती है, सबसे पहले दुनिया में आ गए नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, एक दुनिया बन गई। इस दुनिया में एक जीरो ऐड किया, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, अब ये दुनिया बन गई होल नंबर। फिर इस दुनिया में निगेटिव नंबर भी आ गए, माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इस दुनिया में आ गए इंटीजर्स, फिर आ गए क्यू एंड क्यू डैश, मतलब रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल नंबर जैसे कि रूट टू रूट थ्री रूट फाइव, ये क्या होते हैं, इरैशनल नंबर है। और कोई नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में, जैसे कि 1/2, 4/5, इसे कहते हैं रैशनल नंबर। क्यू डैश इरैशनल नंबर।
और सबको मिला के, सबको मिला के अभी जो पूरी दुनिया है इस दुनिया को कहते हैं आर। आर नेचुरल नंबर उठाओ, होल नंबर उठाओ, इंटीजर्स उठाओ, रैशनल उठाओ या इरेशनल उठाओ, आपको जो पसंद आए वहां पे ए और बी और सी के जगह पे पुट कर दो और जो इक्वेशन बनने वाला है उस इक्वेशन का नाम होने वाला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेसिक कंसेप्ट है, बताने की जरूरत नहीं, पर बच्चों को रिकॉल करना भी उतना ही जरूरत होता है, जरूरत होती है। इसलिए फ्रॉम माय साइड आपको एटलीस्ट पता चला कि आर किसने कह दिया, रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या? हाँ होते होते हैं, आधा सच, आधा सच नहीं पूरा सच, इसके अलावा रियल नंबर में कुछ नहीं आने वाला है। चलो सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे सर ने कहा एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी नंबर उठाओ, किसी ने उठाया -3, ए की वैल्यू -3, एक्स अपनी जगह पे, बी की वैल्यू उठाई किसी ने तो भी √2, इरेशनल नंबर, वाई इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर। तो इस ये जो इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को हम कहने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसमें अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू बन गई -3, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई, नहीं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू बन गई √3 एंड कॉन्स्टेंट सी इक्वल टू 1। इस तरह से कुछ तो भी होता है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी फॉर्मेट ऐसा ही होने वाला है, नहीं तो कोई और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो भी फॉर्मेट है फॉर्मेट ऐसा ही बनने वाला है, नहीं तो और किसी ने दिमाग लगाया। भैया ऐसा भी होता है सर, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी 0, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, बिल्कुल सही, तुमने एकदम बिल्कुल सही दिमाग लगाया। कैसे, क्या उसने क्या किया, बस सी के जगह पे रियल नंबर है, अब होल नंबर में 0 भी आता है, सी की जगह पे 0 पुट कर दिया। जैसे कि उसने याद किया था ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, सर ने कहा था जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, बिल्कुल सही, और बाद में कहा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, वो भी होता है। कैसे, क्या, चलो ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 3 और सी के जगह पे मैंने 0 पुट किया, तो क्या बन गया 2x plus 3y equal to 0। Is this a linear equation? Yes, it's a linear equation in two variable. अब linear equation in two variable, अपने मन से आप कोई भी equation उठाओ, पर condition a, b, c, बस जो real number है उसी में से number होने चाहिए, इसके बाहर नहीं, अगर आते तो हम कह देंगे it's not a linear equation। अगर कोई doubt है तो आप लिखो और comment में पूछो, sir मेरे को इस इक्वेशन के बारे में दुविधा है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, कमेंट करो, तुरंत मैं आंसर दूंगा। एक बच्चे की वजह से इतने तो भी अनगिनत बच्चों का फायदा होने वाला है। मैं आपको चांस क्यों दे रहा हूँ, इट्स आई एम ऑन यूट्यूब, आई नो वेरी वेल, मैं कुछ बकवास करता हूँ वो बात छोड़ दो, पर उस बकवास के साथ साथ कुछ बहुत बड़ी काम की बात कह देता हूँ। अब जो बच्चे अलर्ट है, जिनका दिमाग जिंदा है, वो उसे कैप्चर करते हैं, बस कहते नहीं, कब कहते, जब मेरे को मिलते तब कहते, पर उससे बाकी का लोगों का फायदा नहीं होता है। जब तुम मेरा YouTube पे चैनल देखते हो और जो बात पसंद आ गई और जैसे पसंद आ गई और दूसरे पल में आपको दुविधा भी आ गई, तो कमेंट पुट करो, क्या कमेंट करो, सर आपने तो ऐसा कहा था पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। हाँ उसके बारे में मैं खुल के बात करूंगा। जैसे कि क्रिकेटर है, बहुत क्रिकेट पसंद है, जिस बच्चे ने बहुत फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड से क्रिकेट खेलता है, जब वो टेंथ में आता है किसी भी टीम के साथ जब उसको खेलना है, कंपटीशन होती है इंटर कंपटीशन, या अपने स्कूल के साथ भी कंपटीशन हो गए, जब बच्चा बैटिंग को आता है खुले बैटिंग करता है एकदम, हर बॉल पे वो सिक्स लगाना चाहता है, हर बॉल पे वो बाउंड्री लगाना चाहता है, क्यों, अंदर से पावर है उसके अंदर, बहुत प्रैक्टिस की उसने। तो जब आप क्वेश्चन डालोगे मेरे को गुस्सा नहीं आने वाला है, पर आपके क्वेश्चन की वजह से जो बाकी के बच्चों के दिमाग में भी क्वेश्चन था, बस उन्होंने हिम्मत नहीं की, हिम्मत आपने की, आपकी हिम्मत की कीमत होने वाली है, कब, आपके क्वेश्चन की वजह से बाकी के बच्चों का फायदा होगा, किसके माध्यम से, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से, तो मेरे को भी बड़ी खुशी हो जाती है। हाँ अगर मेरे को तुरंत नहीं आ गया तो आई विल टेक सम टाइम, इट्स अ ह्यूमन बीइंग, आई एक्सेप्ट ना कि मैं बहुत होशियार हूँ, नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट अ कंप्यूटर, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई हैव माई ओन ब्रेन, समटाइम्स इट विल विद इन अ इंस्टेंट आई एम एबल टू आंसर, बट समटाइम्स इट विल टेक सम टाइम, लेट इट बी, but I am very sure after some time if somebody gives me time I will utilize that time in the proper way, I will search here and there, I will open the books, I will read, why, to give the proper solution to everyone, okay, so general form keep in this mind, this is the basic concept, isse kehte concept ki aapke andar fit karo, cc concept clear, concept clear ho gaya, linear equation to variable kya hota hai, fir uske sath kaise khelna hai, ab hum
उस चैप्टर के अंदर जाएंगे। चलो एक बेसिक क्लियर डाउट हो गया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है सर। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, नहीं तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ए बी सी रियल नंबर होते हैं, एक्स वाई वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब उस चैप्टर में सबसे पहले आता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, एक साथ आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखाई दिए, एक साथ दिए, एक साथ दो इक्वेशन दिए और पूछा सॉल्व, क्या कहा सॉल्व का, बस इतना नाम को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता है एक साथ आपको दो इक्वेशन दिए गए, उन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब ऐसे समय में हमारे पास दो मेथड है, कितने मेथड है, दो मेथड है। एक मेथड होती है एलिमिनेशन और दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशन। इतना ध्यान रखो, शायद हमने नाइन्थ में सीखा पर आप क्या पता आप भूल गए होंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एक्स नहीं तो वाई का कोएफिशिएंट सेम करना है और कट कर देना है और एक वैल्यू आ जाती है, वही वैल्यू उसमें पुट करती है, बेसिक कंसेप्ट। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पहले इक्वेशन है जो दूसरे इक्वेशन में x नहीं तो y की वैल्यू आसान तरीके से ढूंढने की कोशिश करो। जिस इक्वेशन से हमने x नहीं तो y की वैल्यू ढूंढी उसको छोड़ के वो वैल्यू इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में पुट करनी, उसको सॉल्व करना है। अब इतने होशियार तो आप नहीं हो कि जैसे मैंने बता दिया पूरी की पूरी बात आपके दिमाग में आ गई और आप बड़े होशियार हो गए, नहीं। एवरीथिंग शुड बी प्रैक्टिकल, तब जाके बच्चों का माइंड खुलता है, जिंदा हो जाता है। चलो सेम इक्वेशन, इसको मैं पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूं। एलिमिनेशन मेथड ने सर ने कहा था आपको x नहीं तो y के कोएफिशिएंट सेम करने, x नहीं तो y के कोएफिशिएंट सेम करने, इसको ध्यान में रखो बाकी छोड़ दो। अब जो भी दिया उसको एक के नीचे एक लिखो, पहला इक्वेशन नाम दिया, दूसरा इक्वेशन 3x plus y equal to 2। एलिमिनेशन मेथड सर ने कहा था x नहीं तो y के कोएफिशिएंट सेम करो। अब यहां पे x के कोएफिशिएंट सेम करना इतना आसान नहीं पर y के कोएफिशिएंट सेम होना बहुत आसान है। अगर मैंने इक्वेशन 2 को बस 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3y आने वाला है, यहाँ पे 3y आने वाला है, साइन छोड़ दो, 3y आ गया। बस मैंने कहा था कोएफिशिएंट सेम लाने की कोशिश करो, ठीक है। x के लिए क्या कहता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, उसके भी सेम होते पर एक स्टेप बढ़ती उतना ही समय जाता, तो मैंने कम समय में क्या दिमाग लगाया तो यहां पे लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 3। सर 3 से ही क्यों, 4 से क्यों नहीं, 5 से क्यों नहीं, जब इक्वेशन 1 में y के साथ 3 है तो इक्वेशन 2 में भी 3 ही आना चाहिए, तो दूसरा नंबर नहीं सोचना, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 3। तो पहला इक्वेशन जैसा है वैसा, उसमें नो चेंज, ये पहला इक्वेशन। अब दूसरे में चेंज होने वाला है, क्यों चेंज होने वाला है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 जा 9x प्लस 3y, 3 2 जा 6, इसका नाम आया थर्ड, टू था थर्ड क्योंकि थोड़ा चेंज हुआ। अब देखो एक प्लस 3 है एक माइनस 3y, एक माइनस 3 है एक प्लस 3 है, तो दिमाग में आ गया तो मैंने लिख दिया एड 1 एंड 3, तो क्या हो गया माइनस 3y प्लस 3y कट हो गए, 9 प्लस 5 14x इक्वल टू 6 प्लस 6 12 13 14, तो x की वैल्यू आ गई 1, 14 को 14 से डिवाइड किया। अब इसको इसमें पुट करो नहीं तो इसमें पुट करो, जो आपको प्यारा लगे, मैंने इसमें पुट किया, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। चलो 3 अपनी जगह पे, x के जगह पे 1 प्लस y इक्वल टू 2, 3 1 जा 3 प्लस y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2 माइनस 3 प्लस था माइनस हो गया, तो y इक्वल टू माइनस 1, तो सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन में क्या, सॉल्यूशन xy इक्वल टू पहले x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस 1। ये जो इक्वेशन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कहा था उन्होंने, सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू ढूंढो y की वैल्यू ढूंढो, तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब ये जो इक्वेशन था इसको मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया,
अब मैं क्या करूंगा, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा। मेथड कोई भी लो, आंसर सेम आने वाला है। मेथड कोई भी लो, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी दिया उसको लिखो, 5x-3y = 8 जो दिया, फिर 3x + y = 2 दूसरा इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशन वन नहीं तो इक्वेशन टू की तरफ देखो, मैंने देखा। अब इक्वेशन टू से मेरे को y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, एक तो x की वैल्यू निकालो नहीं तो y की वैल्यू निकालो। जब मैंने टू के पास देखा तो मेरे को समझा गया y की वैल्यू बड़े आसानी से आती है, बस 3x उधर गया, टू अपनी जगह पे 3x ने जगह छोड़ दी, तो मेरे हाथ में आ गया y = 2 - 3x। सब्स्टिट्यूशन पुट करने से पहले वैल्यू निकालो, एक तो x की वैल्यू निकालो नहीं तो y की वैल्यू निकालो। मैंने इक्वेशन टू को बड़े प्यार से देखा, इक्वेशन टू को मैंने बड़े प्यार से देखा, लेकिन पता चला अरे यार y की वैल्यू बड़ी आसानी से आती, y अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, बस उधर गया। अब y = 2 - 3x इसकी मदद से आ गया, तो इसको छोड़ दो और वही सब्स्टिट्यूट करो, पुट करो, सब्स्टिट्यूट पुट करो, किसमें पुट करो, इक्वेशन वन में, जिस इक्वेशन की मदद से हमने वैल्यू निकाली उसको छोड़ दो, जो बचे हैं उसमें पुट करो। तो 5x अपनी जगह पे, 3y के जगह पे, 2 - 3x = 8। 5x - 3 = 6, 3 × 2 = 6, -3 × 3 = 9x = 8। चलो 9 + 5 = 14x = 8 अपनी जगह पे, जगह चेंज, माइनस का प्लस वन, 14x = 14 upon 41 आ गया। अब इसको इसमें पुट करो, y = 2 - 3x, y = 2 - 3 × 1, y = 2 - 3, y = -1। चलो xy सॉल्यूशन कितना आया, 1 - 1। अब आपके सामने दोनों सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन मतलब बाय इलिमिनेशन मेथड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, आंसर 1 - 1 आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, 1 - 1 आ गया। अगर एग्जाम में ऐसा पर्टिकुलर शब्द उन्होंने यूज किया, सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय इलिमिनेशन मेथड, तो आपको इसके पास ही जाना जरूरी है। अगर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। बस सॉल्व का तो आपके पास दो रास्ते, इधर का रास्ता भी खुला है, इधर का रास्ता भी खुला है। आप किस में एक्सपर्ट बन गए, आपने आपके माइंड ने किसको ज्यादा प्राधान्य दिया, माइंड ने बहुत आसानी, उसके पास जाओ सॉल्व करो, आपको पूरे में से पूरे आंसर दिए जाएंगे। ओके, तो कल हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1।